मैं अभी मधुबनी में हूँ और मधुबनी के उस जगह में हूँ जो मलंगिया पंचायत कहलाता है। ठीक यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे मुझे लगता है ऐसा कि ये 4-5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी पे ये मधुबनी हॉस्पिटल भी है, सदर हॉस्पिटल, और मधुबनी भी है जहाँ जिला अधिकारी वहाँ रहते हैं, वो मधुबनी है। यहाँ से मैं मलंगिया पंचायत में हूँ। यहाँ के 3 आदमी जो पॉजिटिव अभी पाए गए हैं मरीज, उनको जो रखा गया है उनकी जांच की जा रही है। अभी डीएम ने कल 3 दिन पहले पूरी पुष्टि की थी। उसके बाद मैं अभी उसी पंचायत में ठीक इनके घर पे हूँ। मेरे कैमरामैन बताएंगे ये इनका घर है और मैं इनका घर है। ये पूरी जानकारी हमें ऐसे मिलेगी क्योंकि इस पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मुखिया जी हमारे साथ हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, मुखिया जी ये लोग कब आए थे यहाँ? ये 6 तारीख को लुधियाना से चला था, 7 तारीख को 1 बजे रात में आया। ठीक है, 1 बजे रात के बाद आने के बाद वो लड़का 8 बजे उसको भेजा गया मधुबनी सदर हॉस्पिटल जांच के लिए। सदर हॉस्पिटल जाने के बाद वो वहाँ जांच दे के वहाँ बताया उसको जो आप 14 दिन तक कहीं साइड में रहिए। इसके बाद उसको फिर इसका चाचा बीमार था, चाचा को लेकर आया था। जी इनका चाचा सीरियस था तो गाजियाबाद से लुधियाना जाकर वो एम्बुलेंस से लाया गया उसको। जी तो वो साथ ही आया था चाचा को, तो चाचा को ये दरभंगा लेफ्ट राइट करते रह गया। घर पर रुका नहीं, वो घर पर नहीं रुका। जब इसका पॉजिटिव केस जब आया है तब वहाँ जो है सो उसको फिर रिसीव कराया गया। जी तो अभी कहाँ रखा हुआ है ये तीनों को? बेनीपट्टी है, जेल के पीछे स्कूल है, वहाँ पर है। अच्छा, हाँ, तीनों आदमी वही हैं? तीनों आदमी वही है। जैसा हमको आदेश मिलता है रिसीव कराने के लिए वैसे हम रिसीव करवा देते हैं। पूरी रिपोर्ट वहां से आ चुकी है हाँ, पूरी रिपोर्ट आ पॉजिटिव सकी की, है। हाँ, फिर पॉजिटिव इनका का इलाज भी किया जा रहा है? इलाज कुछ नहीं कर रहा, कोई वहाँ व्यवस्था नहीं किया है। अच्छा, जैसे मरीज से बातचीत हुआ है, और न उसका तुम्हारी कोई जो इच्छा दवाई दे मतलब रहा है, करी? न कोई उसको पानी दे रहा है। वहाँ सिर्फ खाना के सिवा कुछ नहीं मिला और मारे न तो इनके दवा अनुभव देता ही है। नहीं। जैसे पॉजिटिव केस मिला है तो सरकार जो ये सिस्टम बनाया गया है तो वहाँ तो उसको दवा बीरो चलना चाहिए ना, बिल्कुल। वो दवा नहीं चला रहा, कुछ वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो मुखिया जी आप किसी सरकारी आदमी से या डॉक्टर से? मैं रेखा के प्रभारी जो है स्वास्थ्य विभाग के, उनसे भी बात किया, आज भी बात किए थे, कल भी बात किए। उस तो ठीक है, बात करते हैं, बस इतना ही बात होता है। बहुत शुक्रिया। मैं अभी मलंगिया पंचायत के मुखिया जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ था। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर्स की या यहाँ की जो डॉक्टर की टीम है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि 3 पॉजिटिव इसी घर से, ये गरीब हैं काफ़ी, ये लोग पाए गए हैं। और ये मलंगिया पंचायत ठीक मधुबनी से बिल्कुल 5-6 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन मुखिया जी का आरोप है कि उन्हें ठीक ढंग से ना इलाज करवाया जा रहा है ना खाने पीने की व्यवस्था है। इसमें बड़ी जिम्मेदारी, सवाल या निशान कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन पर आता है। उसके बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जो उन पे भी, बेनीपट्टी उनका जो सपना है कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि तार तार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।